इज टू मेड बाय रोटरिंग विद आयरन एल्यूमिनियम। चलो एक हमने डिस्क बनाया, लेकिन वो हमारा डिस्क नॉर्मल नहीं है, उसमें अलग अलग मेटल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, एक आयरन लगाया जा रहा है, एक एल्यूमिनियम लगाया जा रहा है। ठीक है, डिस्क में। तो अगर डिस्क में जो अलग अलग टाइप के मेटल लगाए जा रहे हैं, ये एक डिस्क है। तो डिस्क हम सबको पता है कि जब हम इसका डेरिवेशन किए थे तो आप याद करो, डिस्क छोटे छोटे रिंग से, इलिमेंट्री रिंग से मिलके बना हुआ था, और ये इलिमेंट्री रिंग ही इस डिस्क को बनाते हैं। ठीक है, मोमेंटम इनर्शिया। तो ये कहता है कि जो आयरन है और जो एल्यूमिनियम है उसको कहाँ लगाया जाए जिससे इट अक्वायर मैक्सिमम मोमेंटम इनर्शिया। मैक्सिमम, देखो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, हमें मैक्सिमम मोमेंटम इनर्शिया चाहिए। एक डिस्क को बनाना है, इसमें रिंग रखना है, इस टाइप से मेटल लगाना है। ठीक है, और मेटल अगर लगाना है तो आयरन। अब आयरन की डेंसिटी जो होती है वो एल्यूमिनियम से अधिक होती है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसका लिखोगे तो आई इज इक्वल टू वो आ जाएगा mr2। ठीक है, मतलब मास ज्यादा होगा एक्सिस से, एक्सिस बोर्ड के अंदर बाहर है, एक्सिस बोर्ड के अंदर बाहर है और ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मास सेंटर से जितना दूर रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही अधिक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हैवी वाला पार्ट है, जो हैवी पार्ट है, हैवी कौन सा है, आयरन। आयरन को मैं एक्सिस से दूर रखूं, आयरन को मैं सरकमफेरेंस पे इधर रखूं और बीच में एल्यूमिनियम लगाऊं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आयरन को पास में कर दोगे तो मास एक्सिस के पास आ जाएगा, और एल्यूमिनियम को दूर रखोगे तो मास एक्सिस से कम रहेगा, एक्सिस से कम मास दूर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा चाहिए तो आयरन को यहाँ पर लगाओ, क्योंकि वो हैवी है तो एक्सिस से जितना दूर रहेगा। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, एक्सिस से मास जितना दूर रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी अधिक होगी। ठीक है, और मास या हैवी डेंसिटी आयरन के पास ज़्यादा है।